पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज हो चुकी है और इसी के साथ पंजाब में नए मंत्रियों को विभाग भी सौंप दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी की टिकट पर बरनाला से चुनाव लड़कर दोबारा विधानसभा पहुंचे गुरमीत सिंह मीत हेयर को शिक्षा मंत्री बना दिया गया है और ऐसे में शिक्षा मंत्री बनने के बाद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने नेटवर्क 10 से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज हो चुकी है और प्रचंड बहुमत से सत्ता में इस बार आम आदमी पार्टी आई है। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे चेहरे हैं जो युवा चेहरे हैं, दूसरी बार विधानसभा पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़कर गुरमीत सिंह मीत हेयर, जिन्हें कैबिनेट भी बना मंत्री भी बना दिया गया है, साथ ही शिक्षा मंत्री होंगे पंजाब के। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपको शिक्षा मंत्रालय सौंप दिया। हाँ, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। क्योंकि सर प्रचंड बहुमत मिला है, लोगों को बहुत आस है आप लोगों से। अगर हम शिक्षा मंत्रालय की बात करें, काफ़ी बड़ी चुनौती रहती है इस विभाग, जो भी विभाग दिया जाता है ये, तो शिक्षा मंत्री के तौर पर क्या आप देखते हैं कि कितनी चुनौती है आने वाले दिनों? देखो, बड़ा चैलेंजिंग है, टफ जॉब है, पर मैनू उहदे नाल खुशी है क्योंकि आम आदमी पार्टी का दिल्ली च मेन फोकस एजुकेशन एंड हेल्थ रहा है, तो पंजाब दे विच भी असी यही कंपेन टाइम पूरा असी इहदे ते फोकस रखिया भी असी एजुकेशन एंड हैल्थ दे विच बेहतर करांगे, सुधार करन दी कोशिश करांगे। सो इह जिहड़ा एडा वड्डा मैंडेट आया, इहदे विच इह दोनों जिहड़े मतलब कि साडे मुद्दे सी, इहनां दा वड्डा योगदान रहा। सो मैनूं खुशी है कि पार्टी ने, हाई कमांड ने, अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी ने मैनूं इस काबिल समझिया कि जिहड़े दो सब तों इंपोर्टेंट मुद्दे सी उहनां चों इक ते मेरी ड्यूटी लाई है। सो चैलेंजिंग तो है, टफ है, पर काम करना पैना, मेहनत करांगे। बाकी साढ़े को मनीष सिसोदिया जी है, उन्होंने एक स्टेट दे विच अज देश दे सब तो बेहतर एजुकेशन मिनिस्टर ने, वो दुनिया उन्हां दी तारीफ करती है। सो मेरे लिए ईजी है कि मैं उन्होंने एक्सपीरियंस तो सीख के जो उन्होंने उत्थे ब्लू प्रिंट तैयार किया, जिस तरह सुधार उत्थे लैके आए ने, वो ब्लू प्रिंट प्रिंट के नाल पंजाब दे विच भी सुधार लैके आवांगे, पर थोड़ा समा लगेगा। मैं इसे करके जिन्हें साढ़े टीचर्स ने जो कच्चे मुलाजम उन्हें अपील भी करदा भी साडा साथ दिओ, थोड़ा समा दिओ, असी सारे मसले हल करांगे, थोड़े नाल रल मिल बैठ के करांगे। धन्यवाद सर। ये गुरमीत सिंह मीत हेयर हैं जो कि एक युवा चेहरे हैं और शिक्षा मंत्री बन चुके हैं पंजाब के। इनका कहना है कि 35 सालों में पंजाब में जो भी सरकारें आई उनकी तरफ से महज खाना पूर्ति यहाँ पर की गई है और शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इनका ये भी कहना है कि शिक्षा के बजट को यहाँ पर बढ़ाने की जरूरत है ताकि शिक्षा में सुधार किया जा सके। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।